आदरणीय प्रचार महोदय सर जो यहाँ उपस्थित किसी कारणवश नहीं हो पाए हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। तो यह शुक्ला सर, इनको इनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बाकी अगर मैं सभी का नाम एक एक करके लूंगा और गलती से भी छूट गया तो नाराज हो जाएंगे, तो इसलिए मैं जितने भी यहाँ पे प्राध्यापक बैठे हैं इनका सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जितने छात्रगण हैं इन लोग भी बधाई के पात्र हैं, धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। देखिए आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आप लोग यहाँ पे रेगुलर बैठ करके कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जब मैं आप लोगों के सामने ट्रेनिंग देने आया था यहाँ पे कॉलेज में, तो मुझे एक अफसोस होता था बार बार कि मैं क्यों नहीं पढ़ सका इस तरह से रेगुलर कॉलेज में बैठ करके। तो आप लोग अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, ऊपर वाले को आप लोगों को धन्यवाद कहना चाहिए कि आप लोगों को इधर रेगुलर बैठ करके कॉलेज में पढ़ने का मौका मिला है। यदि आप लोगों से मैं कॉलेज पे निबंध लिखने की बात करूं तो हो सकता है कि आप चार पन्ने का लिख दें कॉलेज पे निबंध, लेकिन यदि मेरी कोई बात करे तो मैं सिर्फ दो ही लाइन कॉलेज के बारे में लिख पाऊंगा, और वो दो लाइन ये है कि कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट या तो बहुत अच्छे से बन जाता है या तो उसकी बेहतरीन जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब आप लोग कहेंगे बनने तक तो ठीक है, बर्बाद कैसे हो जाती है? तो देखिए, यदि आप कॉलेज में आके पढ़ते हैं, कॉलेज का डिसिप्लिन वगैरह का पालन करते हैं, कॉलेज में आप लोगों को जो भी टास्क दिया जाता है उन सब का पालन करते हैं, अपने गुरुजनों का आदर करते हैं और उनके आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो बिल्कुल आप लोगों का जिंदगी जो है बहुत बेहतर तरीके से बनेगा। लेकिन वही आप थोड़े से फिल्मों के फालतू रुतबे दिखाने के चक्कर में कुछ और कर बैठे, कॉलेज के नियम का धजिया उड़ाए आपने और आपने सोचा कि यही मेरा स्टेटस है, तो आप यकीन मानिए सच में आपकी जीवन बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप जहां भी रहें जैसे भी रहें डिसिप्लिन के साथ रहें, नियमों का पालन करें, अनुशासन बना के रखें और समय का सदुपयोग करें आप, क्योंकि यदि आप समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो समय आपका इस कदर दुरुपयोग करेगा कि बस फिर तो बस मैं यही सब कहना चाहूंगा। बाकी फेयरवेल के बाद आपका एग्जाम वगैरह भी होगा, तो आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को एक बात बार बार कहा करते थे और वही बात मैं भी आपको कहना चाहूंगा। चाणक्य का कहना था युद्ध करना तलवार चलाना एक कला है, और तुम कला का इस तरह अभ्यास करो कि कला तुम्हारा दास बन जाए। तो मैं भी यही कहना चाहूंगा, कि आप विषय का इस तरह अभ्यास करें कि आपके जुबान से जो निकले बस वही सत्य हो जाए। आप इस कदर अभ्यास करें विषय का कि विषय भी आपका दास बन जाए। विषय जो है तब तक कठिन लगता है जब तक आप उससे दूरियां बनाते हैं। आप जिसको जितना वक्त देंगे उतना ही करीब आपके आएगा, वो चाहे विषय हो या इंसान। तो आप वक्त जिसको देंगे वो उतना करीब आएगा, तो आप सही जगह अपना वक्त लगाइए, अपने शिक्षा के वृद्धि में वक्त लगाइए, तो एजुकेशन आपके लिए आपको वक्त देगा, और नहीं देंगे तो इच्छा आपकी है। बाकी हम लोग क्या कह सकते हैं, बस यही कहेंगे आप अपना समय का यूटिलाइजेशन सही करें। बाकी मैं सभी स्टूडेंट लोगों को धन्यवाद दूंगा, आप सभी लोगों ने मुझे सुनना चाहा और इतने अच्छे तरीके से आपने ऑर्गेनाइज किया, और सभी प्राध्यापक वर्ग का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। थैंक यू। अंत में मैं